हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे, यदि आप नेटवर्क बिजनेस में हैं या नेटवर्क बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों 13 ऐसे सीक्रेट बातें सिखा जाता है जो आपको लाइफ में सफल बना सकता है। दोस्तों आप बहुत बड़ा ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में कि आज दोस्तों चाहे किसी भी सेक्टर में हो, दोस्तों हर लोग सफल बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो दोस्तों बड़े बड़े सेमिनार में ऑनलाइन ऑफलाइन आज इस बात पे बहुत जोर दिया जाता है कि आप नेटवर्क बिजनेस में सफल कैसे बने, अधिक से अधिक बड़ा सफलता तक कैसे पहुँचें। तो दोस्तों ये सीखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, अच्छा लीडर कैसे बने। आज हर कोई, आज अगर कोई बड़ा कंपनी, कोई बड़ा संस्था, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो वो सर लीडर की वजह से, जिसके अंदर लीडर्स का गुण है वो आज लोगों को संभाल पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क बिजनेस में ये लीडर्स क्वालिटी, लीडर्स का क्या गुण होता है, कैसे सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं, एक अच्छे लीडर में क्या पहचान होता है, एक अच्छे लीडर का एक्टिविटी क्या होता है, दोस्तों यहाँ पे और ज़बरदस्त तरीके से सिखा जाता है कि एक अच्छा लीडर्स कैसे बने। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है धन मैनेजमेंट, यानी पैसों कमाना, पैसा बचाना, पैसा को मल्टीप्लाई करना। दोस्तों इस विषय पे बहुत जोर दिया जाता है कि दोस्तों नेटवर्क बिजनेस में हम अच्छा आमदनी कैसे कर सकते हैं, पैसा से पैसा कैसे कमा सकते हैं, पैसा को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, अपनी इनकम को कैसे ग्रो कर सकते हैं, दोस्तों इसके बारे में सीखा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है सफलता के लिए एक अच्छा ड्रेस क्या होना चाहिए, सफल इंसान के लिए एक अच्छा ड्रेस। दोस्तों सफलता के लिए पोशाक, मतलब उसके लिए कैसा ड्रेस होना चाहिए, दोस्तों ये भी सीखा जाता है। किस तरीके से आपका पर्सनालिटी होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों आज हर लोग घर बैठे सफल बनना चाहते हैं, मतलब घर बैठे इनकम करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा। आज कई ऐसे सोशल माध्यम है, सोशल मीडिया के द्वारा आज ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे सोशल साइट है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। आज कोई अगर बड़ा सफल है, ये बड़ा अमीर है तो दोस्तों समय की वजह से, दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिखा जाता है कि अपने समय को मैनेजमेंट कैसे करें, अपने 24 घंटा को समय को अपने एक अच्छे बिजनेस में, अच्छे प्रोफेशन में समय का शेड्यूल क्या होना चाहिए, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सिखा जाता है कि समय को कैसे मैनेज करें। दोस्तों जो समय को पहचाना, जो समय को बचाया, उसने आज बहुत बड़ा सफलता लिया। कहा जाता है टाइम इज मनी, पैसा ही धन है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी, मतलब हर एक इंसान का आज या हर एक कंपनी का या हर एक संस्था का अकाउंटेबिलिटी होती है दोस्तों, और जिसका अकाउंटेबिलिटी नहीं होता उसका पतन चला जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि क्या उसका खर्च है, क्या कैसे मैनेज करना है, क्या आमदनी है, कितना खर्च आ रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों किसी भी प्रोफेशन में आप हैं तो दोस्तों अपने आप को अकाउंटेबिलिटी, अपने को हिसाब किताब में जरूर लाएं कि कितना खर्च है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उसके हिसाब से दोस्तों आप अपने बिजनेस को, आप अपने प्रोफेशन को सक्सेस की ओर ले जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं लक्ष्य को हासिल करना। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों यहाँ पर सिखा जाता है कि अपने लक्ष्य को कैसे अचीव करें, अपने गोल्स को कैसे अचीव करें, गोल सेट कैसे करें, पहले ड्रीम को पूरा कैसे करें। तो यहाँ दोस्तों ये सब जो भी बात बताए बहुत अच्छी तरीके से बड़े बड़े सेमिनार में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो सिखा जाता है फ्रेंड्स। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बातचीत का कला। दोस्तों ये भी जो नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों ये प्रोडक्ट ही नहीं, ये पैसा ही नहीं देती, ये आपको लाइफ का पूरा एक प्रकार का जीने का तरीका देती है। दोस्तों लोगों से कैसे बातचीत करना है,
कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सिखाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं रिजेक्शन हैंडल, मतलब ना को हाँ में कैसे बदले या उसको रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना, कहीं भी रिजेक्शन आता दोस्तों तो उसको हैंडल कैसे करना, इसके लिए यहाँ पे बारीकियाँ से सीखा जाता है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब प्रोडक्ट ही नहीं, इतना सारा सीखने का मौका मिलता, एक जीने का पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज करता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों रिलेशनशिप, लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप करना है, लोगों के साथ क्या व्यवहार करना है, क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो दोस्तों ये नेटवर्क बिजनेस में यदि आप आते हैं तो दोस्तों ये 13 मुख्य बातें बताए हैं, इस बात को सीखने का मौका मिलता है। और दोस्तों यदि आप लगातार 2 से 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर लेते हैं दोस्तों ये सारे क्वालिटी आपके अंदर आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।